कासिम अक्सुबर्ट फाउंडर ऑफ एग्जीक्यूटिव एनएस प्रोग्राम। आज जश्न आज़ादी की तैयारियां आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी अरूज पे हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आपने देखा है कि हम यौम आज़ादी के मौका हो या कोई और त्यौहार हो, हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रखते और बहुत सारी वन विनिंग और ऐसे जानलेवा कर्तव्य जो है वो करते हैं कि जो हमारे लिए उम्र भर का सदमा बन जाते हैं। मेरा नाम आयशा फवाद बुखारी है और मैं रोड ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन की ऑपरेशन मैनेजर हूँ। आज का मेरा पैगाम खास तौर पर 14 अगस्त के हवाले से है। हमारी कौम जश्न आज़ादी का त्यौहार बहुत जोश व खरोश से मनाती है, जो कि एक ज़िंदा कौम होने की अलामत है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम होने का सबूत दें। कुछ नौजवान मिले जोश में आके ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग एंड वन मिलिंग करते दिखाई देते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। उन सब से ये मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे काम करें कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। जश्न आज़ादी के मौके पर जोश व खरोश ज़रूर दिखाइए, मगर याद रखिए वन व्हीलिंग का खूनी खेल आपकी हादसा की मौत या आपके जेल में जाने का सबब बन। आइए इस जश्न आज़ादी की अहद करें कि इस बार हम एक दूसरे की जानों की हिफाजत करेंगे, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करेंगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। हमारी एक मिनट की गफलत हमें अपने प्यारों से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। हमें वन व्हीलिंग और ये पटाखे और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हादसात की सबसे बड़ी वजह गलत ओवरटेकिंग है। बराए मेहरबानी गलत ओवरटेकिंग करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में ना डालें। मेरा पैगाम आप लोगों के लिए यही है कि आप में से हर शख्स अपने घर का चिराग है और अगर ये चिराग बुझ गया तो आपके प्यारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए तारीख हो सकती है।